हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खुश होंगे। आज हम आपका वही चैप्टर 2 पॉइंट्स, चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके और आगे करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सही दिशा में मैं ले जा रहा हूँ और आपको लगता होगा कि सवाल ज़्यादा मुश्किल ना होकर के आसान से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपने प्रैक्टिस की आवश्यकता है। प्रैक्टिस जरूर करते रहना। तो देखिए, हमारा ये सवाल है कि अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या कितनी गुनी है? सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आपको क्या चाहिए कि आपको कम से कम 2 बार तो स्टेटमेंट को पढ़ा करो, ताकि बहुत सारी बातें आपको सवाल करने से पहले समझ में आ जाएंगी कि हमें दिया हुआ क्या है और हमने करना क्या है, निकालना क्या है। एक संख्या है कोई, उस संख्या को तो हम मान के चलते हैं कि माना सोची गई संख्या क्या मानेंगे हम? एक्स मानेंगे, एक्स है। अब प्रश्नानुसार इसकी हम एक समीकरण बनाएंगे, प्रश्न को पढ़ के उसके अनुसार चलेंगे। क्या है प्रश्न? इस सोची गई संख्या जो ये एक्स है, इसमें से 5/2 घटाकर, देखो एक्स में से 5/2 घटा दिया, ठीक है, परिणाम को 8 से गुणा करती है। परिणाम है ये सारा, इसको 8 से गुणा करती है, गुणा हो गया 8। अब जो परिणाम मिलता है, अब जो परिणाम मिलेगा ये, वह सोची गई संख्या की तिगुणी है, 3 गुणी है। किसकी? इसकी। यानी कि ये जो परिणाम है लेफ्ट हैंड साइड का, ये इसका 3 गुणा है, ऐसे है, 3 से गुणा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 8 की गुणा करेंगे इन दोनों के साथ, 8x माइनस में। अब जब यहां देखिए 5/2 है और इसको हमने 8 से गुणा करनी है, यू 2 से कट जाएगा और यहां माइनस भी है, तो -20 आ जाएगा ये, तो यहां -20 लिखता हूं मैं, और बराबर इधर है 3x। अब इस 3x को तो इस तरफ ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, और -20 को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो ये तो 3x माइनस का हो गया और ये माइनस था, ये प्लस हो गया। 8x में से 3x घटाया 5x, और ये 20 यूं का यूं है। 5 को उधर ले गई, 5 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, निशान बदल जाएगा, ये 5 इस x के साथ गुणा में है, उधर जाके भाग हो जाएगा, 20/5 आ गया। तो x बराबर क्या, इसको काटोगे तो ये 4 बार कट के x का मान क्या आया? 4। अतः हमारी क्या है, सोची गई संख्या क्या हुई? 4। सोची गई संख्या 4, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे? इस 4 में से ये घटाना है 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ये 8 - 5 हो गया, तो कितना आ गया, ये 3/2 आ गया, घटा लिया। घटा के जो परिणाम आया, यानी कि ये जो आया 3/2, उसको 8 से गुणा कर दे। अब इसको 8 से गुणा कर दो, ये कट गया, तो कितना गया, 4 - 12 गया। जो परिणाम आएगा वो सोची गई संख्या का तिगुणा होना चाहिए, यानी कि यू जो परिणाम आया है इसका 3 गुणा होना चाहिए, इसका 3 गुणा ही है। 4 को हम जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 12, ठीक है। इसका मतलब वेरीफाई हो गया हमारा क्वेश्चन। और इस प्रकार से आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ के और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना है, मुश्किल नहीं, आसान है सारे क्वेश्चन, थोड़ा हाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, इसको स्टेटमेंट पढ़िए। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हम यहां मान के चलते हैं, जो हमने निकालना है वही हमने संख्याएं निकालनी है माना। अब यहां हम पहली संख्या भी मान सकते हैं, दूसरी संख्या भी मान सकते हैं, एक्स मानना हम, क्योंकि इस क्वेश्चन के अनुसार हमने अगर ये मान लें पहले तो आसान रहेगा। माना दूसरी संख्या हमने मान ली एक्स। क्यों माना मैंने दूसरी, पहले क्यों नहीं माना? अब समझ में आ जाएगा आपको अगली लाइन में। पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी, यानी कि इसका 5 गुना है पहली, जो है पहली संख्या इसका 5 गुना, 5 से गुणा कर दी, 5x हो गया, आ गया होगा समझ में। हमने पहली इसलिए नहीं मानी, पहले समूह में दूसरी मानी, उसका 5 गुना कर दिया, वो पहली होगी। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का अर्थ ये है कि प्रश्न में जो कहा गया उसके अनुसार हम इसकी एक समीकरण का रूप देंगे इसको। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, अब दोनों में 21 21 जोड़ दो, इसमें भी 21 जोड़ दिया, इसमें भी 21 जोड़ दिया। अब क्या करना हमने, हमने क्योंकि इनको बराबर करना है, ये बराबर निशान है, बराबर कैसे होंगी? पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, ठीक है, यानी कि पहली संख्या जो है पहले 5 गुनी थी, अब दुगनी है, अब यह जो संख्या है इसकी दुगनी है। अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें, अब बराबर है, जैसे इस तरफ 5 हो और इस तरफ 10 हो और हमने बराबर करने हैं, तो इसको 2 से गुणा कर दो, ठीक है। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, ये गलती कर देते हैं, अब गुणा यहाँ करने के बजाय यहाँ कर देते हैं, यानी कि इसको गुणा करने बजाय इसको कर देते हैं, जो कि और भी ज़्यादा गलत हो गया। अब तो ये बहुत बड़ी होगी इससे, अब तो ये 20 होगी, तो ये तो 4 गुना बड़ी होगी, जब तो 2 गुना बड़ी थी। तो ये ध्यान रखना, हमने गुणा किसको करनी है, छोटी संख्या, ताकि वो उसके बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। चलिए अब 2 से गुणा करो, 2x जमा 21 गुणा में 2 करोगे 42, और 5x जमा 21। अब हम क्या करेंगे, इस 21 को इधर ले आओ, देखो यहाँ क्या है 42 है, 21 को उधर लेंगे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ क्या है 5x, इस 2x को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब हमने क्या किया, एक तरफ तो हमने वो संख्याएं कर ली जिसमें x नहीं है, हर एक संख्या एक तरफ वो करी जिसमें x है, ये तरीका है इनको, आसान तरीका हल करने का। अब 42 में से 21 घटावांगे 21 बच गया, और 5 में से 2x घटावांगे 3x बच गया। अब इस 3 को भी इधर लाओ, 3 को इधर लाओगे इस साइड में सिर्फ x रह गया, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई है, गुणा है, इधर आगे डिवाइड हो जाए, भाग हो जाए, बटी हो जाएगा, 3 से इसको काट दो, तो इसका मतलब क्या आ गया, 7 बराबर x, या इसको हम न्यू भी लिख सकते हैं, x बराबर 7, ये आ गया दूसरी संख्या 7 है, दूसरी संख्या 7 और पहली पहली संख्या ये रही 5 गुणा में 7, 5 गुणा में 7 यानी कि 35 है, 5 गुना इससे। अगर इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी हम कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, इसकी जांच कैसे करेंगे, देखो पहली संख्या दूसरी की 5 गुना है, तो हमें दिखाई दे रही है कि ये जो पहली संख्या 35 दूसरी की 5 गुना है, 7 5 35, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ दें, अगर इसमें भी 21 जोड़ दें और इसमें भी 21 जोड़ दें,
तो कहे इसकी दुगनी हो जाती है, दिल का क्या दुगनी हो जाती है, तो दुगनी है इसकी। इसका मतलब वेरीफाई है हमारा सवाल, बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने इसको हल कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट, देखिए, दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यार रुक जाइए, दो अंकों वाली संख्या है, दो अंक का मतलब है कि इकाई अंक एक दाई अंक, और उन दोनों का योग 9 है। यहां विचार कीजिए आप कि हमने एक इकाई अंक मान के चलना है, एक दाई अंक मान के चलना है, और दोनों का योग 9 होना चाहिए। देखिए कैसे करते हैं। माना यहां इकाई अंक भी मान सकते हैं हम एक्स, चाहो तो दाई अंक भी मान सकते हैं एक्स, वो अपनी मर्जी है, जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं हम। माना इकाई अंक एक्स मान लिया, ठीक है, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, दहाई का अंक कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ 9 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स। जोड़ में से पहला अंक घटा दिया, जैसे यहां देखिए इकाई का अंक मैंने मान लिया 3, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ 9 है, तो क्या करेंगे हम, सीधा 6 नहीं लिखेंगे, ये तो हमने पता है। इसलिए तरीका क्या है, तरीका ये है दोनों का जो योग है ना 9, उसमें से इसको घटा दीजिए, अपने आप ही ये 6 बच जाएगा। वही हमने काम यहाँ किया है, योग में से ये पहला अंक घटा दिया। अब संख्या क्या बनेगी, संख्या से सोचो क्या बनेगी, संख्या कैसे बनती है, यहां देखिए एक अंक ये 3 है, एक 6 है, और संख्या कैसे बनाते हैं हम, वो अब मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं। हमने वैसे तो ये पता है कि संख्या क्या बनेगी, भाई इकाई का अंक 3 है, दहाई का 6 है, तो हमें पता लग गया संख्या ये बनेगी, लेकिन ये तो अंक ज्ञात है इसलिए हम इसे सीधा 63 लिख दिया। लेकिन तरीका क्या है, तरीका ये है कि जो दहाई वाला अंक है ये, इसको 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि दहाई 10 की होती है, और इसमें इकाई का अंक जोड़ देंगे, 10 * 60 और 3 जोड़ देंगे ना, फिर 63 आ जाएगा। ये है तरीका सही, ठीक है। क्या काम किया हमने, दहाई वाला अंक को 10 से गुणा कीजिए, यहां भी कीजिए, दहाई वाला अंक ये है, इसको 10 से गुणा कीजिए, ये कर दिए, और इसमें इकाई का अंक जोड़ दीजिए, ये जोड़ दिया एक्स, गुणा करो अब 10 * 90 और 10 की इसकी गुणा करोगे 10x और प्लस एक्स। अब यहां देखिए माइनस के 10x है, प्लस का 1x है, तो यहां रह गए माइनस के 9x, ये बन गई हमारी संख्या, ठीक है। अब आगे चलिए, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, इस अंकों के स्थान बदलने, स्थान बदलने का मतलब है जो ये 3 है ये तो दाई की जगह आ जाएगा और 6 आ जाएगा इकाई की जगह। अब क्या हो गया, यहां तो आ गया 6 और यहां आ गया 3, देखो इकाई का अंक बन गया 6, दाई का अंक बन गया 3, और संख्या क्या बन जाएगी फिर, अगर ये अंक लेंगे तो हम दाई वालों को 10 से गुणा करें 30 और 6 जोड़ेंगे तो क्या बन गया 36। इसमें भी ऐसा ही करो, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, अब ये तो दाई का है तो दाई वालों को 10 से गुणा, अरे वो इकाई का ही जोड़ दो इसमें, ये संख्या बनेगी, करो 10x जमा के हैं, 1x माइनस का तो 9x जमा 9, ये संख्या बनेगी। पहले ये संख्या थी दी गई संख्या, ये है दी गई संख्या, दी गई संख्या,
और यह है अंक बदलने पर प्राप्त संख्या। इन दोनों में क्या संबंध है? दी गई संख्या से 27 अधिक है ये। इससे हमने इसको प्रश्नानुसार लिख के और एक समीकरण बनानी है। कैसे बनाएंगे? ये संख्या इस संख्या से 27 अधिक है, हमने करनी दोनों ऐसे हैं, बराबर निशान है, जिस तरह से मैंने पहले लिखी 90 माइनस 9x और इधर लिख दी 9x प्लस 9। ये संख्या इससे 27 अधिक है, या तो इसमें 27 जोड़ दो, अब बराबर हो गई इसकी, या ये इसमें से 27 घटा दो, फिर भी बराबर हो जाएगी। एक काम करना, दोनों में से हमने 27 जोड़ दिया। अब यहां देखिए, ये एक समीकरण का रूप है, इसको सरल कैसे करेंगे? जो माइनस 9x इसको तो उधर ले चलेंगे, प्लस हो जाएगा, और यू 9 है जो प्लस 9, इसको इधर ले आयो माइनस हो जाएगा। आप देखिए क्या बन गया हमारे पास, हमने बराबर निशान लगाया ये, इस तरफ तो 9x है ये, और ये माइनस का 9x है, इसको भी उधर ले जाना, ये भी प्लस हो जाएगा। अब इस साइड में क्या रहेगा? 90 प्लस 27 और माइनस ये 9, क्योंकि ये इधर लेंगे बदल जाएगा। अब ये क्या हो गया? 90 और 27 117 में से 9 घटा दो, कितना बच गया? 108, और इधर कितना हो गया? 18x। इस 18 को भी इधर ले आओ, यहां x के साथ गुणा है, इस साइड में आगे भाग हो जाएगा, 108 बटे 18 हो गया, उधर केवल x है, काट दो इसने 18 से इस 108 को काटेंगे, 18 पांच 90 और 18 छीका 108, तो 6 आ गया x की वैल्यू। यहां तक समझ गए? क्या मानना था हमने? x इकाई का अंक कितना आया? 6। दाई का अंक कितना होगा? 9 घटा में 6, 3 आ जाएगा। यानी कि हम यहां लिख दें, इकाई का अंक कितना आया? 6, और दाई का अंक कितना हो जाए? 9 घटा में 6 बराबर 3। हमने बतानी संख्या है, ये लग रहा क्या? दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्या क्या हो जाएगी? वही देखो, दहाई वाले को 3 से गुणा, 10 से गुणा करो और इसमें इकाई का जोड़ो, कितना हो गया? 30 जमा में 6 कितना हो गया? 36। तो ये संख्या है आपकी जो दी गई संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, दी गई संख्या ज्ञात करनी है। दो अंकों की अंकों वाली संख्या के जितने भी सवाल होते हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें एक अंक इकाई का मानना, हमने एक दहाई का मानना है। कोई भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में से होगा एक इकाई का अंक, एक दहाई का अंक, तभी तो वो दो अंकों की संख्या होती है। माना इकाई का अंक, एक्स मान लिया हमने, दहाई का अंक कितना हो जाएगा? ये लिखा हुआ है 3 गुणा, 3 से गुणा कर दे इसको, 3x हो गया। संख्या कौन सी बनी? संख्या बनाने का हमारा वही नियम जो मैंने बताया था, क्या? दहाई वाले अंक को 10 से गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, दहाई वाला अंक ये है, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये कर दिया, और इसमें इकाई का अंक जोड़ दो, ये क्योंकि 30x और प्लस में x कितना हो गया? 31x हो गया। तो ये हमारी संख्या, दी गई संख्या, या लिख भी सकते हैं ये दी गई संख्या। ये आगे, अब आगे क्या है? इसके अंकों के स्थान बदलकर, अंकों के स्थान का मतलब है अब इकाई का अंक जो है वो तो दाई का मान लेना है, हो गया,
और जो दो दाई वाला वो इकाई का हो गया। अब अंक बदलने पर प्राप्त संख्या ये कौन सी संख्या होगी, बदल दिया। अब ये तो दाई का है, दाई वाले को 10 से गुणा करनी और इसमें इकाई का जोड़ना, ये कितना हो गया 10x और 3x कितना हो गया 13x, ये है। अब इसमें आगे क्या है, आगे ये दे रखे हैं प्रश्नानुसार हमने एक समीकरण बनानी है, समीकरण बनाने हैं तो यहां पर ये अंक बदलकर प्राप्त संख्या ये हमारी, इस संख्या को अगर दी गई संख्या में जोड़ने पर इसको और इसको अगर जोड़ दें 13x, ये इसको इसमें जोड़ दें तो प्राप्त क्या होता है 88, या 88 लिख दिया हमने। अब 31 और 13 44, x बराबर 88, तो x की वैल्यू क्या आएगी, इधर 88 है 44 को हम इधर ले जाए तो डिवाइड हो गया, भाग हो गया, तो x बराबर क्या आ गया, कट के नहीं ये 2 आ गया। इसका मतलब ये तो 2 है, इकाई का अंक तो इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक कितना हो जाएगा, ये दे रखे है 3 गुणा में 2, 3 गुणा में 2 कर दो, 3 गुणा में 2 बराबर 6। संख्या क्या बन गई, संख्या बनाने का अपना वही तरीका है, ये दहाई वाले को 10 से गुणा करो, दहाई वाले को 10 से गुणा किया और इसमें इकाई का जोड़ दो, ये 60 हो गया, ये 2 है तो हमारा कितना हो गया 62, ये है वो संख्या। अगर इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर सकते हैं, आप जांच कर सकते हैं क्या ये ठीक है या गलत। कैसे जांच करें, देखो एक तो ये है इन अंकों का 3 गुना होना चाहिए, क्या ये इस अंक का 2 का 3 गुना है 6, यस ठीक हो गया, ये वेरीफाई होगी। इसके अंकों को अगर बदल दें, स्थान बदलेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, स्थान बदलेंगे तो संख्या बन जाएगी ये इधर आ गया, ये उधर आ गया, और ये क्या है, अब इन दोनों को अगर जोड़ दें इसको और इसको तो 88 आना चाहिए, जोड़ के देख लो 88 आ गया, 88 प्राप्त होता है। इसका मतलब हमारा ये सवाल वेरीफाई हो गया, क्वेश्चन बिल्कुल ओके है, सही है। तो इसमें हमने आज क्वेश्चन आपके जितने करे हैं वो सब आपने प्रैक्टिस में जरूर करो, अपने कॉपी पे जरूर करो, बोर्ड के ऊपर बहुत आसान लगता है सवाल और जब आप कॉपी पे करोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी और जो भी प्रॉब्लम आए वो आप नोट करते रहिए। चलिए नेक्स्ट, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, आपने जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी क्यूरी आपके सामने हैं, जो बात आपने पूछनी है वो कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। आगे फिर मिलते हैं, ओके थैंक यू। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करते रहिए ताकि आने वाले वीडियो, कोई भी वीडियो मैं बनाता हूँ तो आपको सबसे पहले वो प्राप्त हो। इस के लिए आपसे विदा लेता हूँ, ओके थैंक यू।